नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 2 नवंबर 2023 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आपके लिए सब कुछ सामान्यता रहेगा, कुछ खास नयापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चल रही हैं सिचुएशंस वैसे चलती रहेंगी। प्रोफेशनली आपके लिए सब कुछ अलाइनमेंट के दायरे में होता रहेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं उनके लिए आज के दिन कुछ ना कुछ नई पॉसिबिलिटीज़, कुछ इन्फॉर्मेशन, सूचना, संकेत किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू आ सकता है। उसको अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, रिव्यू करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपके लिए आज के दिन प्रोफेशनली आपको सब तरफ से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का माना जा सकता है। आज के दिन आपको अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक सोचनी चाहिए। कुछ ना कुछ आपको सूझबूझ का परिचय देकर ऐसा निर्णय लेना चाहिए जहां पर हेल्थ एस्पेक्ट को लेकर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंट रहे, उसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, उसमें कोई गैप ना हो। साथ ही साथ आज के दिन आप प्रोफेशनली भी कुछ ना कुछ नयापन अपने कार्य क्षेत्र में ला सकते हैं, कुछ चेंज ला सकते हैं। वो चेंज आपके सिटिंग अरेंजमेंट का हो सकता है, वो चेंज आपके मेल को लिखने का तरीके में हो सकता है, वो चेंज आपकी विचारधारा में हो सकता है। कुछ ना कुछ आज के दिन नया चेंज आप ला सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटी का सबब बन सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों, आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटिव है। मन आपका शांत है, विचारधाराएं आपकी प्रबल हैं, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए चल रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन पराक्रम में वृद्धि रहेगी, परिवार वालों का सपोर्ट बना रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष की सलाह से आज कुछ अपनेपन अपने लिए कर पाएंगे। चाहे वो प्रॉपर्टी में निवेश करने से संदर्भ में रहता हो या कुछ नया, अगर आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ नई जगह देख रहे हैं, चेंज ऑफ कंट्री भी हो सकती है आज के दिन। पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन अगर अब्रॉड सेटलमेंट के तौर पे आप आगे बढ़ाना चाहें या बढ़ रहा था और उसमें कुछ ना कुछ गैप आ रहा था, डिले हो रहा था, अब वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए सब तरफ से शुभ संकेत इंडिकेटिव है। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपनी सभी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए कुछ ना कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पर भी आप विचार कर सकते हैं, यानी कि इनकम के बहु जो रिसोर्सेज हैं उनको आप विकल्पों को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज वहाँ पर करना है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पास चार रिसोर्स हैं लेकिन उसमें से सिर्फ दो ही आपके पास सुचारू ढंग से आपको इनकम दे रहे हैं, तो उन्हीं दो पर आज के दिन फोकस्ड अप्रोच लेकर चलना है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी अब दूर होती हुई नजर आएंगी। पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, परिवार के सदस्यों का सपोर्ट बना रहेगा। कुल मिला के आज का दिन नई योजनाओं पर काम करने का माना जा सकता है। टोटली अगर मैं देखूं, इन टोटैलिटी में आपके लिए परिस्थितियां जो पहले थी अब वो इम्प्रूवमेंट के दायरे में आ रही हैं। मन आपका शांत है, विचारधाराएं आपकी प्रबल हैं, आपके लिए शुभता शुभ संकेत इंडिकेटिव है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से चल रहा कोई अगर विस्तार के रूप में अगर आप देखें, व्यापार के विस्तार के रूप में अगर आप कुछ करना चाह रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं गैप आ रहा था या डिले हो रहा था या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो हो रहा था, और एक्सपेंशन या विस्तार इन जनरल भी अगर आप लाइफ में भी कुछ ना कुछ करने की सोच रहे थे नयापन, या प्रोफेशनली भी कुछ करने की सोच रहे थे, तो जहां पर अब ब्लॉकेज आ रहा था अब वो हटता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए सिचुएशंस इंटैक्ट रहेंगी, कुछ खास नयापन आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ऊर्जावान बने रहेंगे, पराक्रम में वृद्धि रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ आज के दिन परिवार के किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में नयापन ला पाएंगे। उनके द्वारा दी गई कोई बहुमूल्य राय अगर आप उसको एडवाइस को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए पॉजिटिविटी बन रही है। स्वास्थ्य भी आज के दिन आपका ठीक रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा रह सकता है। आज का दिन आपके लिए सब तरफ से सारी चीज़ों का समावेश लेकर परिवार के लिए कोई कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ये निर्णय आपका प्रॉपर्टी खरीदने का या नया घर लेने का, घर के अंदर प्रवेश करने का या अब्रॉड सेटलमेंट का भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आज के दिन परिवार की सहमति के साथ परिवार के लिए कोई बहुमूल निर्णय आप ले सकते हैं और वो निर्णय आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है।
बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टायरिंग और टैक्सिंग रह सकता है। धनु राशि वालों, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियां नेगेटिव रह सकती हैं इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ सिनेरियो। तो आज के दिन अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करते हुए कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी मेडिकेशन पे हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आज के दिन आपको अपना चेकअप या सेकेंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, कार्य क्षेत्र में बिजी आप बहुत रहेंगे, संबंधों में कम्युनिकेशन जो होगा उसमें क्लैरिटी रखने की आज के दिन ज़रूरत है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, आगे बढ़ते चलिए। मकर राशि वालों, मुझे कहीं से कोई भी नेगेटिव सिनेरियो नहीं दिख रहा है। अपने मन को स्ट्रांग रखिए, देखिए सब तरफ से आपको शुभ संकेत देखने को मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा। साथ ही साथ आज के दिन कुछ नया बिजनेस या नया एग्जिस्टिंग अगर बिजनेस है उसका विस्तार, कुछ नया काम करना, नौकरी चेंज करना या नौकरी में पदोन्नति होना या प्रमोशन होना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आज के दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए परिस्थितियां कुंभ राशि वालों अनुकूल रहेंगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। साथ ही साथ आज के दिन आप परिवार के साथ भी समय बिता पाएंगे और अपने लिए भी क्वालिटी टाइम निकाल पाएंगे। ये आपको कहीं ना कहीं ऊर्जावान बनाता हुआ चलेगा दिन। साथ ही साथ लंबे समय की अगर आप प्लानिंग करना चाहें तो आज का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आज के दिन आध्यात्मिक रूप से भी आप अपने आप को सशक्त और सबल महसूस करेंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, कहीं से कोई भी नेगेटिव सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग से संबंधित अगर आपको कोई स्ट्रेस है या अगर आपको लग रहा है कि इतने दिनों से आप प्रोफेशनल किसी ट्रैवल पर जाना चाह रहे थे लेकिन कोई ना कोई ब्लॉकेज आ रहा था, अब वो भी आपका साझा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो आपका ये स्ट्रेस लेवल्स बैलेंस होंगे, कॉन्सेंट्रेशन आपका इम्प्रूव होगा और हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आज के दिन प्रोफेशनली भी आपको अपने ऊपरी बॉसेस से सहारना मिल सकती है, उनसे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आपको मिल सकती है। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।